नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने आगे अभी तक तीन सवाल देखे, अभी चौथा सवाल है। प्रश्न करता है, चिराग जैन कक्षा सातवीं में पढ़ता है बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। ये जो बच्चा है वो सातवीं कक्षा में पढ़ता है, तो उसने कहा है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसकी, चुनौती यानी ललकार, चैलेंज, जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है। सामना होना मुहावरे का अर्थ है बच्चों, तो उसका मीनिंग होता है सामने आना यानी सामने मिलना। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। समक्ष यानी सामने, आगे, इन फ्रंट ऑफ। ओके, चलो आगे। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर इज राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी व्याख्या। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से निकालना, यही हमारी पहली परिभाषा है। परिभाषा यानी हमारी पहली व्याख्या है। आगे का प्रश्न है, तरुण पटेल है वो कक्षा 8 में पढ़ता है स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे किस विकसित करें। आंसर है, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गर्व की बात है। आगे जो प्रश्न करता है वो है सत्यम कक्षा 10वीं में पढ़ता है जिला स्कूल मुंगेर, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्व है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। ये बच्चा ने क्या बोला कि जो भी आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, प्रसिद्ध इंजीनियर, डॉक्टर आदि, लेकिन कोई किसान, मजदूर, कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए तो इतने ही महत्वपूर्ण है जितने ये वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर है, और मैं जो हूँ वो ऐसे ही परिवार से आता हूँ, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत अच्छा कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं।
राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी को सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आगे प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इडर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, वडोदरा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग और 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्र शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों को एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे, अगला हम नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।